नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा की अनाज मंडी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कैबिनेट में फिर से शामिल करने पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनका सिरसा में नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। सुबह से ही चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो हिसार से लगातार रोड शो कर रहे हैं। हिसार की बात करें चाहे फतेहाबाद की बात करें, और अभी सिरसा पहुंच गए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अनाज मंडी की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं पूरे सिरसा जिले से, खास करके जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है वहां से और पूरे जिले से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के जो वर्कर हैं वो पहुंचे हैं। और आज चौधरी रणजीत सिंह हैं नायब कैबिनेट में, फिर से उनको शामिल करने पर नागरिक अभिनंदन है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सिरसा जिले के अलग अलग कोनों से, गांव से जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अनाज मंडी में पहुंचे हैं, और आज नागरिक अभिनंदन है वो किया जा रहा है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अनाज मंडी में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को फिर से शामिल किया गया है, और आज नागरिक अभिनंदन है वो किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको हरियाणा के सिरसा की। सिरसा जिले में एकमात्र जो कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनको बनाया गया है पूरे सिरसा जिले में, और आज नागरिक अभिनंदन है वो किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं सिरसा जिले के अलग अलग गांव से आए हुए आज यहां पे पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, स्टेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो पहुँच गए हैं और नागरिक अभिनंदन है उसमें पहुँचे हैं। लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ, उनके पूरे परिवार के लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं वो पहुंचे हैं, और जोरदार स्वागत है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का किया जा रहा है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला क्या कुछ बड़े ऐलान करते हैं मंच से, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मैं मनोहर लाल जी की एक ही बात से विनती करता हूं कि उन्होंने जब वो बातें कई बार बताती, दोबारा नहीं कहूं कि मुझे जब कैबिनेट में लिया गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दिल्ली हाईकमांड से परमिशन लेने गए तो कहने के किसी को बना दो, ये आप हाईकमांड, आपका फैसला, आपने मुझे बना दिया, किसी को बना दो, कैबिनेट आपने बना दिया, पर एक नाम लेके जा रहा हूँ रणजीत सिंह, उस कैबिनेट में जरूर लीजिए मुख्यमंत्री। मैं आज भी उनका बहुत धन्यवाद, 4.5 साल में मेरे मार्गदर्शक रहे, आगे भी रहेंगे। अब दूडाराम जी ने वो बात कह दी जो बहुत सेंसिटिव बात है कि अब जब मंत्रिमंडल बना, 14 सदस्य थे, मुझे अचानक, मैं आपके बीच में था, शादियों में था, यहाँ गांव में था, मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि रणजीत सिंह जी कहाँ, मुझे मैं सिरसा में, कल का क्या कार्यक्रम है जी, सिरसा में ही हूँ 2 दिन से, कहने के चंडीगढ़ आने का कोई कार्यक्रम मौजूद नहीं है, तो कल आप आ जाओ। मैं चला गया, रात के 7 बजे पहुंचा, बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी बैठे थे, मुझे बुला के एक एक से मिल रहे थे, कहने के मैंने ऐसा निर्णय कर दिया और मैं मुख्यमंत्री पद से हटके दूसरे को बनाऊंगा, किसको बनाऊँ ये पार्टी ने फैसला करना है, आप मेरे मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं कहने जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आप क्या बोल रहे हो। कहते नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये फैसला मनोहर लाल जी का, ऊपर आयुष्मान का एक फैसला जो हमने कर दिया, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करें, मुझे कहने के बगैर मैं नहीं, ठीक आपका सीनियर लोगों का फैसला तो हमने सुन लिया। अब इसके बाद जब अगली, मतलब पूरे दिन में सब घटनाएं हो गई, मुझे, मैंने देखा ना सिस्टम में रहा, मैं तो दिलवा की कैबिनेट में रहा, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा, उसके बाद हुड्डा साहब की कैबिनेट में, मिनिस्टर तो नहीं था पर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कैबिनेट रैंक होता है, वो भी मैं उसमें था, और फिर मनोहर लाल जी की सरकार में रहा, अब नायब सिंह जी की सरकार में आ गया, 5वीं 6वीं सरकार होगी, मैंने एक सिस्टम देखा है
कि पहले दिन यहाँ से फोन आ जाता है कि आप कल अपने साथियों को ला लो, कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। सुबह घटना है 41 में कलेक्टर बैठे, सात अंक थे 48, गवर्नर साहब कह गए कि हमारे नए नेता नायब सिंधी सैनी है, मनोहर लाल जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, हम गवर्नर साहब भी करेंगे। और उसके बाद ये होता है कि मैसेजेज आते हैं, तो मैं कोठी पे बैठा था कि जिन्हें मंत्री बने के उन्हें मैसेज आएगा, ये तो पता था 5 बजे सख्त होगी। मैं 5 बजे में 7 मिनट पे मैं कोठी पे बैठा था, कभी जिन्होंने मंत्री बनना उनको मैसेज आ जाएगा, मुझे मैसेज नहीं था। मैंने कूलर साहब को फोन करा कि कूलर साहब मंत्रिमंडल का गठन 5 बजे, मैसेज मुझे औरों को गए हैं कि नहीं गए क्या है, कहते आप कहा मुझे बस कोठी पे, कहते तुरंत चल पड़ो, कहते मुझे ये पता नहीं आप डिप्टी सी एम बनेंगे मंत्री बनेंगे, पर आपका मंत्रिमंडल में नाम है, सब काम छोड़ के चल। मैं जब गाड़ी में बैठ गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने फोन से मुझे फोन करा कर दी थी देखा हो और यार मैं जल्दी करवा मैं पहुंच गया। देखिए ये पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी में बड़ा थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल सेल है, नीचे तक जमीन तक काम करके उन्हें सब पता है कि मैं क्या हूँ दूसरा क्या है, एक एक आदमी का उनके पास रिपोर्ट रहती है। मुझे जब ये सारा फैसला करते हैं तो इस कैबिनेट का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो सबके मार्गदर्शक है मनोहर लाल जी और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंधी सैनी, नेता बनने के बाद परमिशन दिल्ली से होती है, अगर मोदी साहब से, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से और जो भी इसमें जिन व्यक्तियों से सलाह करनी होती है उनसे सलाह होकर नाम आते हैं। जब ऊपर 5 नाम फाइनल हुए तो मैं सरसा जिले के लोगों को बता रहा हूँ, रानिया हल्के के लोगों को भी लोग बता रहा हूँ कि इतना बड़ा हाईकमान उसमें अगर उस सूची में सबसे जिले से 13 नाम दर्ज है तो इससे ज़्यादा आपके सम्मान की बात है, इससे ज़्यादा कि वो ये देखे। मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी, आज भी मैं टेक्निकली पार्टी में नहीं हो सकता, हालांकि पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, पर उसके बाद मुझे इतना सम्मान और मान देना बापना, ये योग है। कांग्रेस की रैली करता था 60-60 हज़ार की रैली, रणजीत सिंह के तब भी होती थी, पर इस पार्टी में जो सम्मान रणजीत मिली है ये किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकता। हर आदमी राजनीतिक, चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है कब छोड़ता है ये भी राजनीतिक होता है। अगर हमें जब इतनी बड़ी पार्टी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 10 साल ये ही पार्टी आगे राज, मिनिमम तो है, मैं आगे की नहीं कहता 20 साल क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, पाकिस्तान में कुछ हो गया, अमेरिका में 8 साल के बाद अगला वो नहीं बन सकता, ट्रंप बने का अगला बने, इंग्लैंड में भी 10 साल पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, जिले को इज्जत चाहिए, हमारे इलाके को इज्जत चाहिए, तो इससे बढ़िया निर्णय नहीं हो सकता। पहले तुम कहीं भी नहीं थे, आज तुम सरकार में सबसे वरिष्ठ साथियों में एक, आपका सरकार पे पूरा, अगर भाई रणजीत सिंह इस पोजिशन पर नहीं होता तो ये गगर फ्री चैनल रहता, कड़ा फ्री चैनल 20 गाँव में पानी लग रहा है, किसान ही होना ये काम तो किसी ने नहीं करा, इस सरकार ने करा। अब सुल्तानपुर या जो चैनल दोनों